आपकी लाइफ का एक ही सलूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना। बिना इसमें बढ़े कोई सलूशन नहीं, नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक ही फर्क है मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुनने में और पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने में, कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। एक एक बिंदु मालूम हो, एक एक लाइन मालूम हो बाइबल की, पर अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं है, शैतान आपसे नहीं डरता और वो वरी नहीं करता। आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आपको कुछ ऐसा करना है जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। बाइबल कहती है कि एलीशा के सेवक की आंखें बंद थी, और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वो बोला, एलीशा एलीशा मर गए, देखो कितने लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। एलीशा ने कहा, अगर मैं वो देख सकता हूं, अगर वो तू देख सकता तो तू कभी डरता नहीं। और बाइबल कहती है एलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल। और उस सेवक की जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के रथ जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा थे जो उन्हें मारने के लिए आए। सुनो मेरी बात, आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं, आपके चर्च में जाने का मकसद है कि वो भी यहोवा को मानता था, वो भी यहोवा की सेवा में था, पर उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद थी। लेकिन कुछ स्पेशल जन ऐसे होते हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो दूसरों के भी खोल सकते हैं।